हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको सिक्स सेमेस्टर के एजुकेशन के चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, यूनिट 1 का। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपकी एजुकेशन है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाली, यानी कि SEC वाली एजुकेशन है, जिसकी बुक्स का नाम है आपकी शिक्षा में मीडिया इन एजुकेशन। ये आपकी सिक्स सेमेस्टर की एजुकेशन की बुक का नाम है। ये देखिए, सिक्स सेमेस्टर की है ये। तो देखिए गाइस, अब हम देखते हैं इसमें यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 का क्या नाम है आपका, यूनिट 1 है आपका संचार मीडिया और शिक्षा, ये आपका यूनिट 1 का नाम है। एंड जिसमें चैप्टर नंबर 1 था वो हमने पढ़ा दिया है, जिसने भी नहीं देखी है आप वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से शैक्षिक संचार। ये हमारा चैप्टर नंबर 2, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय। कला शिक्षा में 2 प्रमुख क्षेत्र दृश्य कला और प्रदर्शन कला शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक प्रकृति में काफ़ी भिन्न है। दृश्य कला में विचारों और भावनाओं को माध्यम और सामग्री आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जबकि प्रदर्शन कलाओं में इन्हें शरीर के इशारों और गतिविधियों, क्रियाओं आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो माध्यम देखिए, दृश्य कला से क्या था, विचारों और भावनाओं से, कि मतलब देख के दृश्य से भावनाओं से समझना। लेकिन प्रदर्शन से क्या है, शरीर के इशारों से, गतिविधियों से, क्रियाओं से। अब आता है हमारा कला शिक्षक की अवधारणा। कला शिक्षक ऐसा माध्यम है जो उन गुप्त सृजनात्मक योग्यताओं को पोषित कर सकती है। विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में अधिक रुचि है उसे पहचानते हुए शिक्षक को उसे उसी क्षेत्र में सृजन के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनकी यही रुचियाँ, अभिरुचियाँ तथा संवेदनशीलता उन्हें संस्कृति एवं संशील मानव के रूप में विकसित कर सके। इस संदर्भ में कलाओं में प्रदर्शन कला, शिक्षा यानी कि नृत्य, नाटक, संगीत, साहित्य और कविता, कहानियाँ सुनाना, फिल्म शिल्प, डिज़ाइन, डिजिटल कला, मीडिया और फोटोग्राफी में दृश्य कला शिक्षा शामिल हो सकती है। तो मतलब एक बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, पहले उसकी रुचि जानेंगे कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, एंड फिर उसको नाटक के ज़रिए, संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए हम उसको पढ़ा सकते हैं। अब आता है हमारा कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है। कला शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास, सृजनात्मक व मौलिकता की अभिव्यक्ति और संस्कृति, लोक परंपराओं और कल्याणात्मक धरोहरों के प्रति लगाव पैदा करना है। यानी कि ये भी जो हमारी सृजनात्मक चीज़ें हैं, कलात्मक है, संस्कृति है, लोक संस्कृति है, इसमें जो हमारी लगाव है उसको पैदा करना है। लेकिन सन 1992 में कला शिक्षा को सामान्य अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने से कला शिक्षक के गुण और समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभिव्यक्ति के तरीके। ये वाला अभिव्यक्ति के तरीके पढ़ते हैं हम। नतीजन, कुल 5 अभिव्यक्ति मोड की पहचान की जाती है। आधार फॉर्म की व्याख्या करना, अनुरूप बनाना, वर्गीकरण करना, भावनाओं को व्यक्त करना और संबंध करना। अब इसमें हम पूरा डेफिनेशन से समझा रखा है। देखिए, अब प्रदर्शन कला क्या होती है। देखिए, प्रदर्शन कला 20वीं सदी, 50 और 60 के दशक में यूरोपीय में आधुनिक कला के रूप में वृद्ध, ये मीडिया की हकीकत बनाने के लिए और एक निश्चित समय अवधि के लिए करने के लिए कलाकार की कला के रूप में खुद को संदर्भित करता है। यानी कि प्रदर्शन करना, करके दिखाना, डांस करके, जो डांस होता है करके दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है ये भी। जैसे कि नाटक आता है, इसमें पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य एक रूप है, दृश्य काव्य, जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं है अपितु दृश्य द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रणनीतियाँ होती हैं। श्रव्य काव्य होने के कारण ये लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब संगठन आता है आपका रंगमंच। रंगमंच यानी कि थिएटर में स्थानीय जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो। रंगमंच शब्द रंग और मंच 2 शब्दों से मिलकर बना है। रंग इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि दृश्य को आकर्षित बनाने के लिए दीवारों, छतों और पर्दों पर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती हैं और अभिनेताओं की वेशभूषा और सज्जा में विविध रंग प्रयोग होते हैं। और मंच इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि दर्शकों की सुविधा के लिए रंगमंच का तल फर्श से कुछ ऊंचा रहता है, यानी कि
थोड़ा, जैसे कि हम जहाँ बैठे हैं उससे थोड़ा ऊंचा। आपने देखा भी होगा थिएटर, पहले पहले जो थिएटर होते थे वो क्या सिर्फ नृत्य नाटक के लिए होते थे, उस पर अब तो फिल्म चलती है, पहले लोग वहाँ पर डांस करते थे, अब तो एक रिकॉर्डिंग होम होती है, आपको रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, लेकिन पहले क्या होता था, अब तो शूटिंग चलती है, लेकिन पहले रियलिटी होती थी, जो भी होती थी रियलिटी में लोग डांस कर रहे होते थे। थर्ड आता है आपका नृत्य। नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रहस्यमय प्रदर्शन है, ये एक सर्वभोला कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ। बालक जन्म लेते ही रोकर अपने हाथ पैर मारकर अपनी भाव व्यक्त कर सकता है कि वह भूखा है। इनकी अंग क्रिया में नृत्य की उत्पत्ति हुई है। अब आता है फिर हमारा संगीत। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम इन तीनों की एक साथ व्यवहार से पड़ा है। गाना, बजाना और नाचना। संगीत किस में आया? गाने में, बजाने में और नाचने में। प्राय इतने पुराने हैं कि जितना पुराना आदमी है। अब भी पाठ आता हमारा दृश्य कला। अभी हम प्रदर्शन कला पढ़े थे, हम पढ़ेंगे दृश्य कला। दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट, कला का वह रूप है जो मुख्य दृश्य विजुअल प्रकृति की होती है, जैसे रेखाचित्र, ड्राइंग, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र आदि। किंतु आजकल दृश्य कला में ललित कलाएँ और हस्तकलाएँ शामिल मानी जाती हैं। अब आता है इसमें नंबर 1 पेंटिंग। पेंटिंग को हिंदी में चित्रकला भी कहते हैं। पेंटिंग में कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज़ों के रंगों के माध्यम से किसी भी स्थान पर अपनी कला के माध्यम से उतार देता है। और अक्सर आप देखते होंगे कि लोग अपने घरों में पेंटिंग को सजा कर रखते हैं, यानी कि उस पर पेंटिंग में भी कुछ चीज़ छुपी होती है ना, तभी लोग अपने घर में सजा के रखते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट मूर्तिकला। अब मूर्तिकला में देखिए क्या है। शिल्पकला कला को वह कहते हैं जो वित्त में होती है। ये कठोर पदार्थ जैसे पत्थर, मृदु पदार्थ, प्लास्टिक मटेरियल एवं प्रकाश से आदि बनाए जाते हैं। मूर्तिकला एक अति प्राचीन कला है, यानी कि मूर्तियाँ जो बनाते हैं वो क्या पत्थर की बनी होती हैं, तो वो हमारी मूर्तिकला होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वास्तुकला। भवनों के विन्यास, आकल्पन और रचना की तथा परिवर्तनशील समय, तकनीकी और रुचि के अनुसार मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने योग्य सभी प्रकार के स्थानों के तंत्र एवं बुद्धिसंग निर्माण की कला। विज्ञान तथा तकनीकी का समेषण वास्तुकला का परिभाषा होता है। अब आता है मैंने कला शिक्षा का महत्व। प्रदर्शन और दृश्य दोनों का महत्व है ये। कला शिक्षा बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेदनात्मक विकास में जैविक योगदान करती है। विद्यालय शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर इसके मूल्य को अनुभव किया जा सकता है। शिक्षा के महत्व को हम निम्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 आता है हमारा शिक्षा का महत्व कैसे होता है। अब देखिए कला शिक्षा का कैसे होता है। कला सीखने की परिस्थिति निर्मित करती है। कलात्मक योजनाओं में कलाकार अपूर्त विचारों को पूर्त रूप से प्रदान करता है। उसके लिए उसके विचार स्थिति का रूप ले लेते हैं। सभी ज्ञान मनुष्य की ज्ञानवृद्धि से उदय होते हैं, जो बौद्धिक कल्पना, आलोचनात्मक निर्णय आदि मानसिक शक्तियों के माध्यम से विचारों में परिणत होते हैं और विचार संवेदनात्मक से मिलकर भावों का रूप ग्रहण करते हैं। कलात्मक योजनाओं में भावनाएं ही सार्वधिक प्रभावी होती हैं। बालक के ये विचार तथ्य और आकृतियाँ जिनकी वह आवश्यकता अनुभव करता है, वह रचना को पूर्त देखने और अनुभव करने पर अधिक वास्तविक हो जाते हैं। यानी कि सीखने लोग मतलब जो बच्चे होते हैं वो देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ अब आगे क्या होने वाला है, वो कल्पना करने लग जाते हैं अपने माइंड में। नंबर 2 आता है हमारा कला सीखने को सजीव बनाती है। कैसे बनाती है देखिए। चूँकि कला दृष्टि से संबंधित है, अतः ये सीखने की प्रस्तुति के प्रति एक स्तर को सजीव बनाती है। विचारों और भावनाओं को पूर्ण रूप से देखकर बालक उनको अधिक समय तक मस्तिष्क में स्मरण रख सकता है और उनके अन्य वस्तुओं को संबंधित को जानकर उसकी वास्तविक महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ विचार जिनका बालक के लिए कोई महत्व नहीं, शीघ्र ही उसके सामने सजीव अनुभव बन जाते हैं और उसके संपूर्ण मानसिक, आत्मिक और शारीरिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। अब एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन अब उसकी पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन वो एक जगह गया, वो नाटक देख कर आया, तो अब लेकिन उसकी पढ़ाई से कोई मैटर नहीं है उस नाटक का, बट वो उसके माइंड पर इतना अच्छा असर डालती है कि वो उसकी भावनाओं को, कल्पनाओं को, मानसिक जीवन को चेंज कर देता है। उसको देखने में इतना माइंड में इतना वो जाता है
कि वो अपने माइंड में पूरी कहानी उसकी बना लेता है। अब फोर्थ नंबर आता है हमारा, कला सीखने को संगठित करती है। कैसे करती है, अब देखिए, कला अनुभव को संगठित करती करने हैं आते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया के लिए ठोस आधार है। जब तक एकाकी विचारों, अनुभवों और तथ्यों को एकित करने का कोई प्रारूप न दिया जाए, जब तक वह हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। अतः शैक्षिक प्रक्रिया के लिए कला एक प्राकृतिक और तार्किक शक्ति है जो ज्ञान को बांधती है, उसे सजीव और मूर्त बनाती है, जिससे मस्तिष्क ध्रुव भावनाओं और मानवीय कार्य उद्देश्यों को ग्रह कर सके। अब देखिए इसमें कैसे बता रखा है आपको कि सीखने की संगठित करती है, कैसे करती है, बच्चों को सीखने की कैसी इच्छा प्रयुक्त होती है कि उसकी जब तक उसके वो भावों को, विचारों को और कल्पनाओं को नहीं समझेगा, वो कभी कुछ सीख नहीं सकता। तो जो कुछ भी चीज़ हो, कला कैसी भी कला हो, दृश्य कला हो या फिर दूसरी हो, दृश्य या फिर प्रदर्शन कला हो, सीखने की कैसे करती है कि वो उसको देखता है, सोचता है कि हाँ इसमें क्या होगा, आगे ये चीज़ होने वाली है, ये होने वाला, तो उसकी कल्पनाएँ बढ़ती चली जाती हैं, तो उसके मस्तिष्क पर क्या होता है, गहरा प्रभाव डालती है। नंबर 5 आता है हमारा, कला नसैंगिक क्षमता का विकास करती है। अब कैसे करती है, देखिए, पूर्ण परिपक्वता तक वृद्धि करने के लिए और अपनी शक्तियों के संपूर्ण विकास हेतु हमें अपनी नैसिकता का पोषण करना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों और अपना अनुभवों में समाज को अपना विशिष्ट योगदान कर सकें। इसके लिए कला विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि ये मौलिक चिंतन, कार्य और मूल्यांकन पर बदल देती है। अब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसे होता है कि उसको समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, बट कभी भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। हमेशा समाज के साथ जो मिलकर चलते हैं वो व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। समाज के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो वो कैसे सोचेंगे, जब हम कला देखेंगे तो कि हाँ ये हमारा समाज है, ये ऐसा चल रहा है तो ये ऐसा चल रहा है, तो आपके मौलिक चिंतन भी उसमें कार्य करेगा, मूल्यांकन बदल देगा। तो ऐसा होता है। बात है हमारा 6 नंबर, कला व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। कैसे, देखिए, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की अवस्था में बालक अनेक तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। स्वतंत्र प्रकाश को प्रोत्साहित करने करके कलात्मक अनुभव उस संगठनात्मक तनावों और भय को दूर करता है। ये बालक में आत्मविश्वास जगाता है और उसके संगठनात्मक सामर्थ्य में सहायता करता है। जब बालक प्रकाश में स्वतंत्रता का अनुभव करता है, तब उसका व्यक्तित्व परिकल्प होने के लिए स्वतंत्र होता है। उच्च स्तर के परिष्कृत कला वैश्विक बालक की समग्रात्मक सामंजस्य उसके अनुभव की शक्ति और सुंदरभूति की चेतना को बढ़ा देता है। नंबर आपको ये पढ़ के समझ आ ही गया होगा, बहुत इजी वर्ड में लिखा था ये। अब आपको 7 नंबर आता है, कला की शिक्षा द्वारा उपचार कार्य संभव है। कला द्वारा उपचार कार्य की संभावना को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सकता, किंतु कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कला की निदानात्मक कार्य का चिकित्सा विज्ञान के लिए अधिक मूल्य है और ये कला शिक्षा की योग्यताओं को बढ़ाता है, किंतु ये त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि कलाकार की रचना को देखकर उसके मानसिक और व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाने में एक अनिश्चितता और भ्रम की भी संभावना है। इस कार्य के लिए उच्च प्रतिष्ठित कलाविद और मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है। अब 8 पॉइंट आता है हमारा, कला सौंदर्यात्मक विकास को बढ़ाती है। अब कैसे बढ़ाती है, देखिए, कलात्मक कार्य में हमारी ज्ञानात्मक कार्य होती है, इसलिए ये हमारी चेतना शक्ति का विकास में सहायक है। कलात्मक कार्यों में संवैधानिक क्रियाशील ज्ञानाधिकारी हमारी आँखें हैं। आँखों को प्रदर्शित करने के अवसर कला प्रदान करती है। आँखों के माध्यम से कलाकार वस्तु के भारी रूप से बनावट, रंग, मात्रा आदि का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है तथा इन विभिन्न तत्वों के संगठन को अनुभूति करता है और किसी रचना में प्रस्तुत किए गए प्रतीकों और आकृतियों के प्रति प्रस्तुत देता है। यानी कि जो हमारी आँखें होती हैं, क्या होती है, सौंदर्यात्मक विकास को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, हम किसी भी चीज़ को देख कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब 9 पॉइंट आता है हमारा, कला मूल्यांकन एवं निर्णय की शक्ति को विकसित करती है। कैसे करती है, देखिए, कला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उन चीज़ों को खोजते हैं जो भावनाओं और कार्यों में अनुरूप है। मैंने आपको ये ऊपर भी बताया है, जैसे जैसे हम कला का अधिक अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हम क्रियाओं में अधिकतिक समस्या करने की और मूल्यांकन की योग्यता प्राप्त करते हैं। हम निरंतर और कला का मूल्यांकन करते रहते हैं। संवैधानिक उत्तम मूल्यांकन तभी संभव है जब कला को संपूर्णता से देखा जाए। मूल्यांकन हर एक चीज़ का होता है। आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको भी लास्ट में मूल्यांकन होता है।
तो देखिए जो भी कला होती है उसको मूल्यांकन तब हम सही ढंग से कर सकते हैं जब हम उस चीज़ को अच्छे से देखें, पूरा अच्छे से देखें। 10th पॉइंट आता है हमारा, कला कला भी व्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करती है। कला बालक के सौंदर्य चेतना का विकास करके उसे प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रति संवेदनशील बनाकर उसमें एक उत्साह भर देती है, जैसे हम दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। इस पर कला व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है। इसको मैं अपने वर्ष में बता देती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा कहीं जाता है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं मेले में भी जाता है कोई बच्चा, तो वो वहाँ से इतनी बातें बटोर कर, इतनी कल्पनाएँ बटोर कर ले आता है कि वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि हाँ कोई आए मेरे पास और मैं उसके साथ शेयर करूँ सारी बातें। 11th नंबर आता है हमारा, कला जीवन को पूर्णता से जीने में सहायक है। एक बालक जिसमें जीवन के प्रति गहरी जिज्ञासा है, जिसकी कल्पनाएँ सजीव है, जिसकी गारंटियाँ स्पष्ट जानकारी देती हैं और जो प्रयोग तथा अन्वेषण करने में घबराता नहीं, ये बालक जीवन जीने और आत्मप्रकाशन करने में सक्षम है और ये अवसर उसे कला प्रदान करती है। अभी मैंने आपको ये ऊपर भी बताया था कि जो बालक, जो बच्चा अगर समाज के साथ चलेगा तो वो संपूर्ण बच्चा कहलाएगा। तो वो ये कैसे प्रदान होगा, कला से प्रदान होगा। 12th नंबर आता है हमारा, कला जीवन के रचनात्मक पहलुओं को समृद्ध बनाती है। जब बालक जीवन को पूर्णता से जीते हैं तो वह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर और स्वतंत्रपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। वे जीवन में नित्य नवीन गुणों को आत्मसत करते हैं और उच्च कलात्मक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। उनका जीवन अधिक समृद्ध बनता है क्योंकि उन्हें क्रियाएं अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हो जाती हैं। कला से क्या होता है, जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारा काम है, वो अर्थपूर्ण होता है। किसी भी बात का या भी किसी भी काम का अर्थ होता है, क्योंकि जब हम नाटक देखते हैं, नृत्य देखते हैं, कोई सी भी कला देखते हैं या कोई पिक्चर ही देख रहे हैं तो वो पूरी अर्थ की ही बनी होती है। इनफैक्ट जो हमारे घरों में पेंटिंग्स लगी होती है उसमें भी कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है, तभी वो पेंटिंग करने वाला बनाता है। 3rd नंबर आता है हमारा, कला सामाजिक वृद्धि करती है। कला उस समय अधिक पूर्ण रूप प्राप्त है जब बालक सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है। अब मैं ये आपको बहुत अपने इजी वर्ड्स में बताती हूँ, सामाजिक वृद्धि कैसे करती है, जो समाज के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ा देती है बच्चे की। कैसे बढ़ा देती है, जब भी कोई बच्चा देखता है तो सोचता है कि हाँ मेरे को भी समाज के लिए ऐसा करना चाहिए। नाटकों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देती हैं कि बच्चे सोचते हैं कि काश यार मैं भी ऐसा कर पाता। पिक्चर्स में दिखा देते हैं कि हाँ कोई फौजी लड़ने जा रहा है तो बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा हो जाती है कि हाँ मैं भी फौजी बनूंगा। IAS की पिक्चर्स दिखा देते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं भी IAS बनूंगा, मैं भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। किसी सोल्जर की ऐसे दिखा देते हैं कि सोल्जर ने बच्चों वहाँ से इतने बच्चों को बचाया, इतने कैंसर को मारा, तो उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, पढ़ लिख कर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। 14th पॉइंट आता है आपका, कला आर्थिक दक्षता को विकास देती है। कला में बालक निर्माण और प्रस्तुत के बारे में सीखता है, बहुत सी रचनाएं क्रियाओं में जिनमें सामग्री का प्रयोग करना सीखता है, उन्हें आकार आकृति और रंग का ज्ञान सम्मिलित होता है। उनसे बालक में सावधानीपूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति और रचनात्मक का विकास होता है। इसी समय ये अनुपात लयबद्धता और एकरूपता का ज्ञान प्राप्त कराता है। वह उपयोगी वस्तुओं का प्रारूप बनाना सीखता है, इस प्रकार अच्छे और बुरे कार्य के ढंग से अंतर करना सीखता है और निर्णय लेता है कि कौन सी चीज़ें आकर्षण को बढ़ाती हैं और कौन सी कम करती हैं। तो गाइस देखिए यहाँ जाके हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था यूनिट 1 का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए हो, हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश की थी और हमने अपने वर्डिंग भी बोली थी, तो आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे हैं, न्यू हैं, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।